सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशान गुप्ता और आज सिर्फ फंडामेंटल के इस ट्यूटोरियल में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों क्लास वर्सेस स्ट्रक्ट। ठीक है, नॉर्मली तो आपको पता ही है कि क्लास वर्सेस स्ट्रक्ट आपका वैल्यू वर्सेस डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, कैसा भी इंटरव्यू हो आपका। दैट मीन्स कि आप बिगनर्स हो या आपको एडवांस आपको आती है, या आपको 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, कितने ईयर्स का भी आपको एक्सपीरियंस हो, ये क्वेश्चन दोस्तों आता ही है। तो ये आपका दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए का क्वेश्चन है अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी मैं अगर बात करूं कि ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ, ये हम स्ट्रक वर्सेज क्लासेस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। वट आर द डिफरेंसेज बिसाइड इनहेरिटेंस। ठीक है, कि आपका इनहेरिटेंस, जब स्विफ्ट की बात करते हैं तो वहाँ इनहेरिटेंस यूज होता है, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और वेन टू यूज स्ट्रक्ट ओवर क्लासेस, हम कब स्ट्रक्ट को यूज करेंगे क्लासेस की जगह। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, सिंपल आपको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर समझाऊंगा कि आपका स्ट्रक्ट और क्लासेस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं क्लास। ठीक है, उसके अंदर लेते हैं क्लास आपकी किसने की दोस्तों, ह्यूमन क्लास ले लेते हैं। ठीक है, और ह्यूमन क्लास के अंदर हमारा क्या रहेगा, वेब नेम, दैट मीन्स एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, नेम नाम से, जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, और क्लास को दोस्तों क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेम को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो चलिए वो भी हम कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्तों, सेल्फ आपको पता ही है, सेल्फ किसको डिनोट करता है आपका, जो आपके ऑब्जेक्ट का करंट क्या है दोस्तों, वेरिएबल है। ठीक है, और किसको डाल रहे हैं, जो कि आप इनिशियलाइज करते हुए इसको लेके आएंगे। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वैल्यू आप डिफाइन करेंगे, तो वो वैल्यू मैंने किसमें डाल दी, इस ऑब्जेक्ट के, इस क्लास के, उस ऑब्जेक्ट के, इस वेरिएबल में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये तो हमारी क्लास बन गई है। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रिएट करते हैं इंस्टेंस। ठीक है, चलिए इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो उसका नेम हम लिख देते हैं ह्यूमन क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन क्लास ऑब्जेक्ट है, तो चलिए ह्यूमन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे इनिट कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली हमें जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या दे देगा, वैल्यू असाइन करवाएगा। ठीक है, उसमें हम दोस्तों डाल देते हैं ज्ञान। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या डाल दिया दोस्तों, ज्ञान। अब दोस्तों हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो ह्यूमन ऑब्जेक्ट डॉट नेम, अभी आपने क्या किया है दोस्तों, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इंस्टेंस क्रिएट किया है। ठीक है, जिसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो इस क्लास के वेरिएबल को। ठीक है, तो मैं दोस्तों इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या प्रिंट हो गया है, ज्ञान। अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज करने वाला हूँ यहाँ पे क्लास में, आपका एक न्यू, ठीक है, ह्यूमन क्लास ऑब्जेक्ट आपका बनाता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों मैं डाल देता हूँ आपका ये वाला ऑब्जेक्ट जो अभी आपने जस्ट कराया। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिंपल क्या कर रहा हूँ, दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, हम इस ऑब्जेक्ट को इस नए वेरिएबल में डाल रहा हूँ। दैट मीन्स ये आपको किसको रेफरेंस कर रहा है, इसको, और ये किसको रेफरेंस कर रहा है, इसको। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ी सी क्या करते हैं दोस्तों, R&D करेंगे। ठीक है, कैसी R&D करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम न्यू ह्यूमन क्लास ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, और ट्राई करेंगे वैल्यू चेंज करने की, किसकी, इस वेरिएबल की। ठीक है, तो इसकी नेम हम कर देते हैं एरिना। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या है, आपने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के इस नेम को यहाँ से चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर आप इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो एरिना प्रिंट होगा, लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराता हूँ, दैट मीन इस वाले ऑब्जेक्ट को, तो वैल्यू ज्ञान आएगी या अरीना आएगी, ये हम देखते हैं। क्या आया दोस्तों, अरीना आया। दैट मीन्स क्लास आपका क्या है, रेफरेंस टाइप है। वो क्या करता है दोस्तों, इसको मैं बहुत अच्छी तरह आपको समझाऊंगा एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, उससे पहले मैं आपका स्ट्रक्ट को ले लेता हूँ, स्ट्रक्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कि स्ट्रक्ट आपको किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए एक ह्यूमन स्ट्रक्ट मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यह क्लास क्यों लिया दोस्तों, स्ट्रक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे, वही काम करेंगे।
अगर हम चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और दोस्तों एक चीज नोटिस करने वाली है, अगर आप चाहो तो आप ये चीज नहीं लिखो, आपका स्ट्रक्ट ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू को इनिशियलाइज करा देता है, ठीक है। नो नीड टू डू दिस, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको जब एग्जांपल इस टाइप से समझा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इस तरह से ये ले लेता हूँ, अदरवाइज आपको कोई भी जरूरत नहीं है इसको लेने की यहाँ पे, ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वही काम हम ये वाले करेंगे जो यहाँ पे कर रहे थे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो वेरिएबल ह्यूमन स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या लोगे दोस्तों, ह्यूमन स्ट्रक्ट आप उठाओगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू डालोगे, वैल्यू ऑफ दैट मीन्स डाल दो ज्ञान स्ट्रक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, ज्ञान स्ट्रक्ट डाल दिया। और दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे आपका ह्यूमन स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो एक बार हम देख भी लेते हैं क्या वैल्यू आती है दोस्तों, देखते चलेंगे ताकि हमें कोई इशू ना रहे, ठीक है। आपकी अब क्या, ये तो ऊपर वाले की थी जो आपने यहाँ पे क्लासेस को कराया है, आपने वैल्यू चेक के कराया था, यहाँ पे आपका क्या आ गया, ज्ञान आपका स्ट्रक्ट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे दोस्तों, एक न्यू ह्यूमन स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट आपका बनाएंगे, ठीक है, और उसमें हम डाल देंगे ह्यूमन स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैं न्यू ह्यूमन ऑब्जेक्ट से क्या करूंगा दोस्तों, वैल्यू चेंज करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा एरिना स्ट्रक्ट, ठीक है। अब दोस्तों क्या वैल्यू आपकी आएगी, प्रिंट करा के देख लेते हैं हम इसको, क्या सबसे पहले तो हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे, किसको, इसको, ठीक है, कि क्या हमारी वैल्यू यहाँ पर चेंज हुई नए ऑब्जेक्ट की, यस यहाँ पे एरिना स्ट्रक्ट हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, आपका इसको प्रिंट कराता हूँ जो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाला, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट ही तो डाला, इसका रेफरेंस यहाँ पे डाला, तो क्या यहाँ पे चेंज वैल्यू चेंज हुई है आपकी, रन होगा नहीं दोस्तों, देखिए जो आपकी इस वाले ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन हुई थी उसके पास उसी की वैल्यू है, और जो न्यू वाले को आपने ये असाइन किया था ये वाला ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो आपने वैल्यू चेंज करी तो वो वैल्यू इसमें चेंज नहीं हुई, इस ऑब्जेक्ट में आपका चेंज नहीं हुई, यही आपकी खासियत है स्ट्रक्ट की, क्योंकि वो आपका वैल्यू टाइप है, वो केवल एक आपको वैल्यू क्या कर देता, कॉपी कर देता है, ठीक है। आपने इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इस न्यू ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दिया, ठीक है, फिर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करिए इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको दोस्तों ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो चलिए मैं आपको इसको एज अ डायग्राम समझा देता हूँ, ठीक है। आप जैसा कि यह डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रेफरेंस टाइप वैल्यू टाइप, आप इस तरह से समझो, ये कार ए कार बी जो है आपका, वो आपका ह्यूमन क्लास का ये वाले ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि आपका किसको आपका रेफरेंस कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, इस क्लास को, ठीक है, ये वाला जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये दोनों आपको किसको रेफर कर रहे हैं, इस वाले को। ये ऐसा समझिए कि मेमोरी में आपने एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया, ठीक है, उसको आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए, एक और ऑब्जेक्ट बनाया बी, ठीक है, वो दोनों किसको आपको रेफरेंस कर रहे हैं, एक ही मेमोरी को, दैट मीन्स इसको। तो आप अगर यहाँ से वैल्यू कोई भी चेंज करते हैं, यहाँ पे ज्ञान कर दिया, यहाँ एरिना कर दिया, ठीक है, तो वो वैल्यू इन ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, वो इन ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट इस जो आपका मेमोरी में आपका इनिशियलाइज हो चुका है इंस्टेंस से, उसमें चेंज हो रही है दोस्तों, इसीलिए इसको हम कहते हैं रेफरेंस टाइप। क्लास आपकी क्या है, रेफरेंस टाइप, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्ट की, ठीक है, स्ट्रक्ट है दोस्तों आपका वैल्यू टाइप, मीन्स ये हो गया कि आपने एक स्ट्रक्ट बनाया, ठीक है, उसके दो ऑब्जेक्ट आपने बना दिए, न्यू आपका ह्यूमन दैट मीन्स कार ए और न्यू ह्यूमन दैट मीन्स कार बी। अब ये क्या हो गया, आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, आप चाहे इसमें कोई भी वैल्यू चेंज करिए तो इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर इसमें एक बार और इसमें कोई भी वैल्यू चेंज करिए तो इसमें इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये क्या है आपका वैल्यू टाइप। अगर आपने सी सी प्लस प्लस इस टाइप की अपनी लैंग्वेज पढ़ रखी है और ऑब्स से रिलेटेड कोई भी अपनी इस टाइप की जिसमें रेफरेंस यूज होता है उस टाइप की अपने लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपको कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपने ऑब्जेक्टिव सी पढ़ रखी है तो समझिए सब कुछ खत्म, ठीक है, इसको ज्यादा समझने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर आप न्यू हो, आपको नहीं पता ये चीजें, या आपके माइंड में ये चीज कभी नहीं आई, तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपका रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप क्या होती है, और किस तरह से हम स्ट्रक्ट बना के आपका वैल्यू
ऑब्जेक्ट जब चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। कब? इस वाले ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू चेंज होगी, इस वाले की इसकी, लेकिन अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो इस वाली वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट इसको नहीं पड़ेगा, जबकि आपने इसको क्या किया, कॉपी किया। ठीक है, कॉपी यहाँ पे भी किया था, लेकिन ये एज अ रेफरेंस होता है क्योंकि वो क्लास है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों चलिए इतना तो आपका हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वन मोर डिफरेंसेस है, ठीक है, इसमें म्यूटेबिलिटी में क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक म्यूटेबल क्लास बनाते हैं, क्योंकि क्लास आपकी म्यूटेबल रहती है। क्यों मैं इससे कह रहा हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक क्लास बनाता हूँ दोस्तों, ज्ञान क्लास नाम से। उसके अंदर एक वेरिएबल लेता हूँ दोस्तों, और नेम लेता हूँ दोस्तों। ये चीजों में देखिए, जब मैं ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ, और जब मैं समझाऊंगा तो मैं बहुत ही आराम से आपको समझाऊंगा, ताकि कोई इशू नहीं आए। बस ये ध्यान रखिएगा मैं कहाँ पे वेर ले रहा हूँ, कहाँ पे आपका लेट ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान एरिना हम ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी ज्ञान क्लास। ठीक है, और यहाँ पे ज्ञान क्लास को हम इनिशिएट कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या, मैं अगर ज्ञान क्लास को ऑब्जेक्ट लेके यहाँ पे नेम लेता हूँ, तो आप ये देखिए लेट दैट मीन्स कॉन्स्टेंट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो क्या यहाँ पे दोस्तों वैल्यू चेंज होगी, ये देखिए क्या यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी एक बार। ओहो, आप तो डॉग भी है, कोई बात नहीं, इग्नोर करिए। बैकग्राउंड साउंड को दोस्तों हमेशा कहते हैं इग्नोर करना चाहिए, नॉइजी रहता है, तो कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे चेंज रन किया, तो ये आपकी वैल्यू चेंज हो गई, जबकि आपका यहाँ पे क्या है, लेट है। लेकिन ये जब ऑब्जेक्ट आपका, जो मैंने अभी आपको समझाया, जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये क्या कर रहा है, अगर ये यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो किसकी हो रही है, इस ऑब्जेक्ट की नहीं हो रही है, वो इस क्लास की हो रही है। दैट मीन्स यहाँ इसकी हो रही है। तो आपके यहाँ लेट लिख लीजिए, या आपका क्या कर लीजिए दोस्तों, वेर लिख लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ भी होगा नहीं। आप यहाँ से किसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो, इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो, वो क्या है दोस्तों, वेर टाइप का। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे म्यूटेबल हम इसको क्लास कहते हैं। चलिए अब मैं स्ट्रक्ट की बात करता हूँ, तो स्ट्रक्ट क्या है, इम्यूटेबल। ठीक है, और स्पेलिंग छोड़ो, देखेंगे बाद में, स्ट्रक्ट बना लेते हैं, सॉरी, किस नाम का, ज्ञान स्ट्रक्ट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं वही काम करूंगा, वेर नेम इक्वल, यहाँ पे आपका आ जाएगा ज्ञान अरीना। ठीक है, दैट मीन्स अरीना, और यहाँ पे हमारे ये स्ट्रक्ट बन चुका है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंपल वही करेंगे, लेट किया मैंने यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ज्ञान स्ट्रक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, बार बार ध्यान देने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं ज्ञान स्ट्रक्ट करता हूँ और डॉट नेम करता हूँ, और इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या दोस्तों यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, एक बार चेक करते, नहीं होगी, क्योंकि वो क्या कह रहा है आपका, जो ज्ञान स्ट्रक्ट है, इज अ लेट, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। यही खास बात है दोस्तों स्ट्रक्ट की। ठीक है, आपका उसको इससे मतलब नहीं है स्ट्रक्ट का, उसको मतलब है कि आपने किस टाइप से उसको डिफाइन किया है, दैट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है वो किस टाइप का है। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट लेट दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टाइप का है, तो उसके अंदर आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एज अ वेर इसको लेंगे, तब जाके आपका ये चेंज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्यों आप यहाँ पे वेर और क्यों मैं आपका लेट इस तरह से क्यों कह रहा था, और ये इम्यूटेबल आपका स्ट्रक क्यों है, मैं इसलिए बता रहा था आपको दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, फैक्ट है। ठीक है, आई होप आपको वो सही लगेंगे। ठीक है, और आप चेक भी कर सकते हो, 10,000 से लेके आपका 1 लाख आपका जो है फास्टर होता है, किससे दोस्तों, क्लासेस से, क्या, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट आपका इतने टाइम्स आपका फास्टर देन होता है क्लासेस से, जो कि स्टैक ओवरफ्लो बता चुका है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर आप यूआई बटन पे काम करते हैं, अगर मैं इसके जो आपका ऊप्स का आपका आर्किटेक्चर है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपका आर्किटेक्चर है, कि अगर मैं यूआई बटन पे एक्सेस करता हूँ, तो आपकी सारी क्लासेस का मुझे क्या करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि क्लासेस का है,
ऑब्जेक्ट क्लासेस का है आपका, ठीक है, डायग्राम, ठीक है। तो अगर मैं यूआई बटन का लेता हूँ तो आपको यूआई कंट्रोल, यूआई व्यू, यूआई एनएस इन्फ्लुएंस, एनएस ऑब्जेक्ट, सभी का मुझे क्या मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा, सभी के मैसेज मिल जाएंगे, उसमें मैं चेंजेस करूंगा, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए यूआई बटन लेता हूँ तो मैं एनएस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करता हूँ, तो आपको नंबर ऑफ क्लासेस को आपको इम्पोर्ट करोगे, ये सारी चीजें करोगे, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दैट मीन्स अगर आप मान लो कि आप यूआई डेट पिकर पे बात करते हो, तो यूआई कंट्रोलर, यूआई व्यू, ये पूरी क्लासेस को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, फिर इसमें वर्क करेगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ क्लासेस आपकी क्या होती है, इम्पोर्ट होती है, उनमें आप चेंजेस करते हो, ये सारी चीजें। लेकिन अगर मैं दोस्तों स्ट्रक्ट की बात करूँ तो कुछ भी नहीं करना है, ना ही हमें इम्पोर्ट करना है, कुछ नहीं, सिंपल आपने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया, कॉपी, खत्म काम, कोई भी वैल्यू आपको इस क्लासेस इम्पोर्ट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिंपल आप क्या कर रहे हो, इस पे एग्जैक्ट काम कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है दोस्तों, देखिएगा, नो म्यूटेबिलिटी, ठीक है, ड्यू टू नो रिलेशन, ठीक है, रिलेशनशिप, थोड़ा सा मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये लाइन क्लियर हो गई है तो मुझे आगे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कोई भी म्यूटेबिलिटी नहीं होता, ठीक है। किसके किस लिए नहीं होता दोस्तों, कि आपके ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता ही नहीं है, तो म्यूटेबिलिटी का आपका नाम हो गई नहीं, ठीक है। और इसमें दोस्तों नॉन नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है, कहने का मतलब हो गया, इसमें स्ट्रक्चर जो है नेस्टेड नहीं होता है। दैट मीन जैसे अगर आप, मैं इसकी बात करूँ, क्लासेस में आपका नेस्टेड रहता है, ये क्लास, ये क्लास, ये क्लास, ये क्लास, कि आप इसको अगर एक्सेस कर रहे हैं तो आपका यूआई कंट्रोलर, यूआई व्यू, इस तरह से नेस्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये चीज इसमें नहीं है, इसलिए दोस्तों ये इतना फास्ट है आपका क्लासेस से। और ज्यादातर आपका क्या है, हम स्ट्रक्ट का यूज करते हैं, लाइक कभी आप अगर आप एपीआई पे वर्क कर रहे हैं तो आप मॉडल बनाते हैं, तो वहां पे भी आप क्या करते हैं, स्ट्रक्ट का यूज करते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपका जो है क्लासेस से ज्यादा स्ट्रक्ट यूज होता है स्विफ्ट लैंग्वेज में, ठीक है। अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजिली इसको डिस्क्राइब कर सकते हो विद एग्जाम्पल, या इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, सिंपल दैट, ठीक है, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए आपको। आई थिंक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और इसी टाइप से दोस्तों मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लाता रहूंगा। और अब आगे से मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, नहीं लगता है मत करिए, इट्स ऑन अपॉन यू, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।